दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर शुक्ला बोल रहा हूँ। अप्रैल 2011 की बात है। भ्रष्टाचार की निरंतर मार झेल रहा युवा वर्ग जाग रहा था। एक एक करके सारा भारत जुड़ रहा था। अप्रवासी भारतीय भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। मैं उस समय दक्षिण कोरिया में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर रहा था। कोरिया में रहने वाले भारतीयों ने भी आंदोलन किया। हम लोगों ने हान रिवर पर कैंडल मार्च निकाला, जिसे कोरिया तथा भारत की मीडिया ने कवर भी किया था। उसके बाद जितने भी आंदोलन जनलोकपाल को लेकर हुए, हमने सब में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक जुनून था भारत से भ्रष्टाचार मिटाने का। आंदोलन से जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आंदोलनकारियों ने अरविंद के नेतृत्व में पार्टी बनाने का फैसला किया, तो मैंने उस फैसले का समर्थन किया। और उसके बाद पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तन मन धन से कार्य करता रहा, सिर्फ इस आशा में कि ऐसा स्वतंत्र लोकपाल आएगा जो बिना भय भेदभाव के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाएगा, जिसकी अपनी एक जांच एजेंसी होगी, जिसकी नियुक्ति और उसके संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में रात रात भर जाग कर हम लोगों ने प्रचार किया। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मैं फील्ड पर गया और सतना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का मैनेजर भी रहा। उसके लिए रात दिन एक कर दिया और चुनाव के दौरान मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। डॉक्टर ने मुझे 100% बेड रेस्ट की सलाह दी और ये भी हिदायत दी कि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगा तो मुझे स्लिप डिस्क हो जाएगा। मैंने डॉक्टर की बात को नहीं मानी और चुनाव प्रचार में लगा रहा। परिणाम स्वरूप मुझे स्लिप डिस्क हो गया और आज भी मैं सफ़र कर रहा हूँ। आज जब दिल्ली की सरकार जनलोकपाल बिल के नाम पर एक अपंग कानून ला रही है, तो मैं खुद को ठगा महसूस करता हूँ। निराशा होती है। जिस लोकपाल के लिए इतनी मेहनत की, लोगों की गालियाँ सही, अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया, आज भी ढंग से बैठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उसके नाम पर सिर्फ धोखा मिला। अरविंद इतना स्वार्थी निकलेगा कभी सोचा नहीं था। जिस आम आदमी पार्टी से जुड़ने पर कभी फक्र होता था, अब शर्म आती है। खैर, निराश तो बहुत हूँ, बहुत निराश हूँ, पर हारा नहीं हूँ, टूटा नहीं हूँ। हम फिर से लड़ेंगे, फिर से जुटेंगे और आंदोलन वाला ओरिजिनल लोकपाल बिल पास करवाएंगे। हमने रामलीला मैदान में व्यवस्था परिवर्तन की जो शपथ ली थी, उसे अरविंद तो भूल गया, पर मैं नहीं भूला, हम नहीं भूले। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जय हिंद, जय भारत।